भूल जाए। तो गाइस कल है शिवरात्रि, तो आज मौसम देखिए कैसा हो रखा है। और ये रही बाइक, दिस नीड टू गो। अपनी बाइक में ये सब नहीं चाहिए, अपनी बाइक में चाहिए ओनली रेवेड मर्चेंडाइज। भाई यारो एंड गार्ड किसे हुए यारो, एंड गार्ड कर दो चेंज। तो गाइस ये है हीरो एक्सपल्स 200, और एक साइड पे है नॉर्मल एक्सपल्स और एक साइड पे है रैली किट वाली। और इनकी सीट हाइट में डिफरेंस देखिए कितना है, और इसकी हाइट देखिए, ये वाली है रैली किट में और ये है सिंपल नॉर्मल वाली। अब इसमें टायर है मैक्सिस का ऑफ रोड, और ये थोड़ा ड्यूल स्पोर्ट में आ जाता है, लाइक फ्रॉम बोथ वर्ल्ड। और इसमें फ्रंट टायर दोनों में है, 21 इंच का टायर है। और आज है शिवरात्रि गाइस, सो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। दिस नीड टू गो परफेक्ट, अब सही है ना। रेवेड मर्चेंडाइज गाटा प्लग देम। सो ये जो एक्सपल्स है ये ली है प्रोवाइडर ने, अभिषेक अभिषेतल एंड शेटलर ने, ये सारे नाम उसी के ही हैं। यू नो वी आर गुड एट नेमिंग समवन। आज इसकी टेस्ट ड्राइव होने वाली है और एक छोटा सा रिव्यू होगा इसका। लेट्स सी ये बाइक क्या क्या कर सकती है। अभी नई नवेली बाइक है, ओनली 23 किलोमीटर चली हुई है। सो ये एक लिटिल बिट वॉक अराउंड, बाइक देखने में अच्छी है, सुंदर है, डबल डिस्क है, फ्रंट टायर है 21 इंच का और रियर है 18 का। और इसका डिजिटल कंसोल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आ रही है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और फ़ोन कनेक्टिविटी के साथ ही ये नेविगेशन भी सपोर्ट करता है। सो या लेट्स गो। ओके हियर वी गो। और गाइस अब जो कोई भी GoPro यूज़ करता है उनको पता है कि GoPro के साथ अडाप्टर लगा के एक में रिकॉर्ड करना कितना बड़ा टास्क है। सो गाइस दिस बाइक इज़ वेरी लाइट, वेरी इजी टू हैंडल, एंड ऑन पेपर पावर डिलीवरी इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, बट जो भी ये प्रोवाइड करता है, जो स्टांस और जो अर्गोनॉमिक्स हैं बाइक के, वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। इसमें जैसे कि 5 गियर है, और ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी है इसमें, 5 गियर है इसमें, जैसे कि NS में आ जाते हैं आपके 6 गियर आ जाते हैं। और उसकी पावर फिगर काफ़ी अच्छी है इसके मुकाबले में। इसमें ऐसा है कि इसमें फ्रंट टायर आ जाता है 21 इंच का एंड रियर टायर आ जाता है 18 इंच का। दैट मीन्स इट कैन डू स्टफ एंड इट कैन गो टू प्लेसेस, एंड सरप्राइजिंगली फ्रंट ब्रेक इज़ गुड। जैसे कि हीरो यूज़ करते हैं निसिन की ब्रेक यूज़ करते हैं, और रॉयल इनफील्ड हिमालयन करती है बाइब्रेक की ब्रेक यूज़ करते हैं। हीरो एंड होंडा का ऐसे ही है, वो निसिन की ही ब्रेक ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही जब हीरो होंडा की वो करिश्मा भी आती थी उसमें भी निसिन की ही ब्रेक यूज़ करते थे। और ओ फक, ओके नाउ आई एम स्टक हियर। इस बाइक की एक अच्छी बात, अब देखिए जैसे मैं अकेला हूँ और मेरे पास हिमालयन होती है ऐसी सिचुएशन में, तो मैं यहाँ पे स्टक होके रह जाता। सो मैं इजीली इसको पीछे वाले टायर को पुल किया और इजीली निकल गई। ऊपर तो लेके जाना ही है मैंने इसको।
अपना टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइस, अगर आपने ये सब स्टफ करना है, अगर आपने एंड्यूरो स्टफ करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट बाइक यू कैन बाय। और अगर आपको इसमें भी थोड़ा हार्डकोर स्टफ चाहिए, अब इसमें एक रैली किट भी आती है, उसकी कॉस्ट है आई थिंक 40,000 के आसपास। इंडिकेटर्स बहुत बेकार है, ना ही इस बाइक के डिज़ाइन के साथ मैच करते हैं, एंड हेडलैम्प काफ़ी छोटा है और इसकी लाइट भी इतनी सही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है इसके बारे में। और इसमें खास बात यह है, जिससे ये हिमालयन से खुद को अलग करती है, इसमें किक आ जाती है। और ये रही इसकी बैंड पाइप, O2 सेंसर एंड कैटालिटिक कन्वर्टर। बैंड पाइप जो कि इंजन के नीचे से जा रही है ऊपर तक, एंड रैली किट में आ जाते हैं। इससे बड़े शॉकर आएंगे उसमें, और जो फुली एडजस्टेबल रहेंगे, जिसमें आप प्रीलोड भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड विंडशील्ड छोटी लगी मेरे को लॉन्ग राइड्स के हिसाब से। डे टू डे राइड के लिए ठीक है, बट लॉन्ग राइड्स के लिए थोड़ी बड़ी चाहिए इसको विंडशील्ड। और हैंडल, अब आते हैं इसके हैंडल पे। हैंडल बहुत बेकार है इसका। और ये इसके बार एंड देखिए, बार एंड पे इन्होंने रबड़ प्लास्टिक दिया हुआ है। गाइस, 2021 में ये सब कौन करता है यार। और ये वाला डिज़ाइन है, ये सेम उनका करिश्मा के टाइम से आ रहा है, जिस टाइम से 2007-08 में करिश्मा आती थी, उसमें भी सेम ही डिज़ाइन था। एंड जो कुछ भी इस बाइक पे मॉड्स होंगे, वो सभी आपके सामने ही होंगे। स्टार्टिंग में तो ऐसा है कि थोड़ा टाइम स्टॉक में चला लेंगे, लाइक महीना भर, कि हाँ नई बाइक नई लगे, थोड़ी नई बाइक वाली फीलिंग्स रहे। एंड बाइक का इंजन आ जाता है आपके पास ऑयल कूल्ड, छोटा सा रेडिएटर, और आई थिंक BS4 एयर कूल्ड थी। सो इसमें ये चेंजेज हैं। एंड रही बात मेंटेनेंस कॉस्ट, गाइस बाइक काफ़ी चीप है मेंटेन करने के लिए, जहाँ तक मैंने सुना अभी। बाकी चलो देखते हैं। और लेग गार्ड भी हैं छोटे से दिए हुए, ये एक्सेसरी में आते हैं। और फुट पैग्स भी सुंदर हैं, छोटा सा रबड़ लगे हुए हैं ऊपर, ऑफ रोड वाले तरीके के ही। एंड अगर इसकी जगह हिमालयन होती, सो इस वाले पॉइंट पे मेरे को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ना था। एक तो उसका वेट ज़्यादा है, वो मेरे से उठाए भी नहीं जानी थी। तो ये है, पावर डिफरेंस में तो फ़र्क है, लाइक एटलीस्ट डबल का फ़र्क है। बट यार, जिनका वेट थोड़ा कम है, उनके लिए एक्सपल से अच्छी बेटर बाइक नहीं है, अगर ऑफ रोड करना है आपको। अगर आपका वेट लाइक 80 प्लस है, तब मैं थोड़ा रिकमेंड नहीं करूँगा एक्सपल्स को, क्योंकि वहाँ पे 80 प्लस वेट पे थोड़ा, अगर देख 8 मान लो, लेट्स सपोज कि आपका वेट 80 प्लस है, 5-10 kg आपका बैग और शूज़ पूरा जो भी लगेज रहेगा उतना रहेगा, तो उस पर थोड़ा सा बाइक स्ट्रगल कर सकती है ये वाली। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन वाले नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर आपका वेट लाइक 80 से नीचे है, दिस विल बी द बेस्ट बाइक फॉर यू। एंड स्पेशली अगर आप अकेले राइड करते हो, फिर तो इससे अच्छी बाइक कोई नहीं मिलेगी आपको। एंड आपको व्यू दिखाते हैं अभी। एंड आज मैंने अपने राइडिंग शूज़ पहने हुए हैं पहली बार, सो गेटिंग यूज्ड टू इट। सो हाउ अबाउट दिस, लाइक द व्यू? एंड तो चलिए अपना स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं अभी। मुड़ गई, ओके लेट्स गो। चले, देखिए कितना बड़ा ब्रिज है यहाँ पे। लेट्स गो। So easily bro. Not many people have done complete. अगर आपके घर के आसपास हाईवेज ही हैं, ऑफ रोड ऐसे ट्रेल्स नहीं हैं छोटी मोटी, तब ये बाइक आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम दे सकती है। वैसे मैं आपको NS रिकमेंड कर सकता हूँ, बट इफ यू वांट दैट ऑफ रोड लव, गाइस दिस इज़ अ बाइक। सो
एनीवे दैट्स ऑल अबाउट इट। जो फर्दर वीडियोज़ रहेंगी बाइक की वो चैनल पर आती रहेंगी, एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियन अबाउट दिस बाइक। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, पीस। GoPro is really giving me a hard time.